ये बहुत प्रैक्टिकल रहती है सॉल्यूशन कॉर्नर्स में रीच करने का। एवरीवन, वेलकम टू होम एंड हॉबीज। आज का एपिसोड बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जो हमारे घर में डेली में स्पाइसेस, पल्सेस, चीनी, चाय की पत्ती, ऐसी सब चीज़ें यूज़ होती हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन मैं किस तरह से करती हूँ। क्योंकि डेली में अगर ये सामान हमको इजीली मिल जाता है तो हमारा वर्क करना कन्वीनियंट हो जाता है। इसके लिए जब मैंने ये किचन अपना प्लान किया था कि मुझको ये आइटम्स हैंडी भी रहें और मुझे इनके लिए बार बार कोई कैबिनेट या ड्रॉर ओपन ना करनी पड़े, तो वीडियो का इंट्रो ज़्यादा लंबा ना रखते हुए मैं आज आपको ये ऑर्गेनाइजेशन शो करने जा रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा, जिससे कि आप भी अपना वर्क कन्वीनियंटली कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अपने किचन टूर में आपको बता चुकी हूँ कि ये दो मेरे ओपन कैबिनेट्स हैं, जिनमें कि मैं अपना डेली नीड्स एसेंशियल्स रखती हूँ। इनका सारा सामान मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिया है, इनकी सॉर्टिंग करूँगी और ये शेल्फ्स या कैबिनेट्स मैं पहले क्लीन कर लूँगी। जो ये मैंने कंटेनर्स हटाए हैं अभी, उसकी जगह देखिए कितना ये गंदा हो जाता है हमारा किचन, क्योंकि कुकिंग सारी यहीं पे होती है। तो यहाँ पे हम पहले क्लीन करके वापस से जब सामान रखेंगे तो हमको अच्छा भी लगेगा और किचन भी हमारा हाइजीनिक रहेगा। क्लीनिंग करने के लिए हमेशा सॉफ्ट स्पॉन्ज यूज़ करिए, जिससे कि हमारा जो भी मटेरियल है, एक्रेलिक मैंने यूज़ किया है इसमें, तो इस पर स्क्रैचेज़ नहीं आए। सिंपल मैं डिश वॉश लिक्विड डाल के पानी में उसको डिप करके इसको क्लीन कर रही हूँ। ये जितने भी मैंने यहाँ से जार्स और कंटेनर्स हटाए हैं इन कैबिनेट्स में से, उनको मैं एक्सटर्नली क्लीन कर रही हूँ। और जो इंटरनली ये जार्स धुलने होते हैं, वो जैसे मेरा ये वाला जार खाली होगा तो मैं उसी टाइम धो देती हूँ, इसीलिए अलग से इनके लिए टाइम नहीं लगाना पड़ता। तो जार्स हमेशा मेरे इसलिए साफ़ ही रहते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन आज ये पूरा हटाया है तो वापस से एक बार इनको क्लीन करके ही हम रख देंगे। सबसे ज़्यादा गंदा होता है ये गरम मसाले का जार, क्योंकि हर सब्जी में ऐसे ही हाथ से उठा के डाल लिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने एक ये लेजी सुजान यूज़ करी है। ये ट्रेस आपके जो ब्लाइंड कॉर्नर्स होते हैं उनमें बहुत अच्छे से यूज़ होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वहाँ पे मेरा वो वाला कॉर्नर पे रीचेबल नहीं रहता है हैंड, उसमें मैं ये वाली ट्रे प्लेस करती हूँ यहाँ पे, जिससे जो भी मेरे कंटेनर्स रखे हों वो ईजिली मैं उनको एक्सेस कर सकूँ। दूसरी साइड का जो कैबिनेट है उसके लिए भी मैंने एक ये स्टेप लैडर यूज़ करी है। मैं यहाँ पे मैं जो मेरे अलग अलग तरह के स्पाइसेस हैं उनको अरेंज करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाने जा रही हूँ। मेरे ये कैबिनेट्स नीट एंड क्लीन टाइडी हो गए हैं। उसमें मैं आपको जैसे दिखाऊंगी, तो ये मैंने जार्स दो साइज़ के यहाँ पे यूज़ करे हैं। ये सब सी थ्रू कंटेनर्स हैं मेरे, तो मैंने जनरली लेबलिंग नहीं करी है, क्योंकि कई बार जैसे ये दाल या कुछ ऐसे बच जाती है, मैं इसके ऊपर लेबल करके लिख दूँ कि ये मूंग की दाल का जार है, तो ये वेस्ट ही जाएगा। तो जब मेरा जो जार जिस साइज़ के लिए अवेलेबल होता है मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। बस ये कुछ जार्स ऐसे हैं जो मेरे रेगुलर मसाले मुझको पूरे पूरे पैकेट लाके भरने होते हैं, और मुझे पता है इतनी ही क्वांटिटी में आएंगे और मुझको उनकी ज़रूरत है। अजवाइन, धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, वो सब मैं थोड़ा लेबल करके रखती हूँ। अदरवाइज़ किसी भी जार को मैंने लेबल नहीं किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी ये सी थ्रू है तो हमको ज़रूरत नहीं है। एनीवे, ये सब अपना अपना सबका सोचने का तरीका होता है। तो लाइक दिस, जैसे देखिए ये नमक हमारा रेगुलर हमको चाहिए होता है, ये मैं ये सी थ्रू कंटेनर में ही रखा हुआ है। पीछे के साइड में सारी दालें आ जाती हैं जितनी भी तरह की हैं। आगे का जार ये स्पेस मैंने क्लियर रखा है, जिससे कि जार्स का मूवमेंट इजीली हो सके, खोले, और ये साइड में खड़ा मसाला जार्स में आ जाता है।
या फिर कुछ जैसे नाश्ते का सामान पोहा। और मैं जैसे आपको बता रही थी ये लेजी सुजन, ये बहुत प्रैक्टिकल रहती है सॉल्यूशन कॉर्नर्स में रीच करने का। जो चीज़ें कम यूज़ होती हैं उनको मैंने ये कॉर्नर में इस तरह से लगा के यूज़ कर लिया है, तो यहाँ से इजीली एक्सेसिबल हो जाती है। आगे का स्पेस थोड़ा हमको क्लियर रखना चाहिए जिससे कि इन जार्स का मूवमेंट ईजिली हो जाए। और कई बार काम करते करते, जैसे मैं आपको बताऊं तो हम लोग कोई पैकेट खोलते हैं उस समय भरने के लिए कोई जार नहीं होता है, या एट प्रेजेंट हमको नहीं भरना होता है, तब हम वहाँ पे ये भी रख सकते हैं। तो लाइक दिस स्पाइसेस का कह सकते हैं, या जो रेगुलर दालें यूज़ होती हैं, थोड़ा बहुत खड़ा मसाला और नाश्ते का सामान होता है, वो मैंने इस तरह से यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइज करके रखा है। जैसे आप देख सकते हैं ये गैस के ऊपर ही मेरा ये वाला कैबिनेट है, तो आराम से हर चीज़ एक्सेसिबल भी रहती है, विद इन हैंड्स के रीच में रहती है, खुली रहती है, तो कोई कैबिनेट भी खोलने की ज़रूरत नहीं है और वर्क करना हमारा कन्वीनियंट हो जाता है। प्लेटफॉर्म के जो राइट हैंड साइड वाला मेरा कुकटॉप के ऊपर वाला कैबिनेट है, उसमें मैंने जो रेगुलर यूज़ में होने वाले हमारे चीनी चाय की पत्ती तो हमको चाहिए ही होते हैं, वो वाले जार्स प्लेस कर दिए हैं। इसमें भी जैसे चाय में बनाने के लिए इलायची चाहिए, या फिर ये दालचीनी है, इस तरह का सामान, ये खाली है, कंटेनर भरना है मुझको, भुना पिसा ज़ीरा रखती हूँ मैं इसके अंदर, तो ऐसी सब चीज़ें रखी हैं। पीछे की साइड में भी स्टेप लैडर होने की वजह से ये पूरा मेरा शेल्फ अच्छे से यूज़ हो रहा है। ये साबुदाना आ गया, सौंफ आ गई, इस तरह की चीज़ें मैं क्या क्या आपको एक एक बताऊँ, जो वही रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो रखी हैं। और उसके पीछे भी ये पूरा रीचेबल रहता है मेरा ये कॉर्नर, इसमें जो कम यूज़ होती हैं चीज़ें लेकिन फिर भी चाहिए होती हैं, जैसे लौंग है, मेथी है, राई है, ऐसी सब चीज़ें वो मैंने पीछे वाले कंटेनर्स में फिल करके रखी हैं। इसके बाद ही जैसे सुबह के टाइम चाय के साथ में हमको बिस्किट्स चाहिए होते हैं, उसके लिए वो पीछे बिस्किट्स जो रेगुलर यूज़ होते हैं उनको मैंने रखा है। तो इन दिस वे ये पूरा इस साइड का भी मेरा कैबिनेट अच्छे से अरेंज हो गया। जो बाकी के मसाले मुझको हर समय में चाहिए होते हैं वो मैं ये रेगुलर अपना मसाला बॉक्स में रखती हूँ, जो हैंडी रहता है, इसमें से कुछ ख़त्म हो जाता है तो ऊपर से रिफ़िल हो जाता है। और बाकी के जितने भी मेरे मसाले रहते हैं उनको मैं फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ या फ्रिज में स्टोर करती हूँ। किस तरह से मैंने उनको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है उसके लिए आप मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये मोटिवेट किया अपना किचन ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कि मैं अपना किचन किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मेरा मानना ये है जो हमारे कुकिंग में डेली में चीज़ें यूज़ होती हैं उनको विद इन रीच हमारे ओपन में रहना चाहिए, जिससे कि हमारा टाइम भी लेस यूज़ हो और वो चीज़ें बार बार डोर खोलने से या ड्रॉर खोलने से गंदी ना हो। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आप किन टॉपिक्स पे और वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड बाय बाय।